हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से सूजी का हलवा। यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है, यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है और सूजी को हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। डालने के बाद हमें इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये जो नीचे लग सकती है, तो ये देखिए हमें इसमें डालना है घी। घी डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और हमें गैस की फ्लेम जो है थोड़ी धीमी ही रखनी है, हल्की आंच से ही पकाना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी। लगने के बाद महक बहुत आती है इसमें, तो इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है इस तरीके से। और जब ये देखिए हमारी सूजी जो है भुनती हुई आ रही है, और हमें ना इसे मीडियम ही आंच पे फ्लेम पे ही करना है, और जब अच्छे से कलर आ जाए इसे अलग कर लेना है। अच्छा कलर आ जाए तभी इसे उतारना है, बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब। जब इसमें अच्छा कलर आएगा तभी हमारा हलवा जो अच्छा बन पाएगा। ये देखिए हमारी सूजी भुन के तैयार है। देखिए आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। और अब हमें इसे अलग प्लेट में कर लेना है। यहाँ पे हमें 2 कप पानी ले लेना है। यहाँ पर हमने 2 कप पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद हमें इसमें डालनी है चीनी। जितनी मैंने 2 कप सूजी ली थी और 2 कप मैंने ली है चीनी। चीनी हम इसे पानी में डाल देते हैं। बराबर की ही चीनी लेनी है हमें, क्योंकि फिर टेस्ट अच्छा आएगा अगर हम बराबर की चीनी लेंगे तो। ये देखिए वो तो चाहे आप अपने हिसाब से भी मीठा रख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बराबर ही लिया है। और अब हम इस पानी को पकने देते हैं। जब तक इसमें उबाल आता है इसे दो तीन मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ढकने के बाद हमें उसके बाद ही सूजी डालनी है इसमें। देखिए यहाँ पर हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, और अब हमें इसमें डालनी है सूजी। सूजी को हमें जो है थोड़ी 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 करके ही डालनी है। अगर हम थोड़ी थोड़ी करके एक साथ डाल देते हैं तो इसमें जो है वे गुड़ी सी पड़ जाती हैं। और हमें इस तरीके से चलाते रहना है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से। और हमें गैस की मीडियम जो फ्लेम जो हमें थोड़ी हल्की ही रखनी है। ये देखिए हमने थोड़ा सा घी जो जब हम इसे भून रहे थे सूजी को तब डाला था, और हम थोड़ा सा घी जो इसे पकते हुए डालना है। इससे डालने से इसमें जो टेस्ट अच्छा हो जाता है। और फिर हमें इस तरीके से इसे चलाते रहना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा हलवा जो, ये देखिए हमारा यहाँ पे हलवा बन के तैयार है। और हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पकने देते हैं। यहाँ पे अच्छे से खद्दा लग चुका है। ये देखिए अब हमें इसमें डालने हैं ड्राई फ्रूट। ये देखिए हमने लिए हैं, अब हम इसमें डालने हैं ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने बादाम कटे हुए बादाम और काजू, ये देखिए अब हम इसमें अच्छे से डालते हैं। बिना ड्राई फ्रूट के तो अच्छा भी लगता है, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट डालने ज़रूरी हैं, इससे ही टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने वो हरा लाल किरौंदा भी डाला था। वो तो आपकी पसंद है कि आप डालो या नहीं, पर हमें तो पसंद है इसलिए हमने यहाँ पे ये हरा लाल किरौंदा डाला है। ये देखिए हमारा टेस्टी सा हलवा बनके तैयार है। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।